प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम अपने स्नातक स्तर के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों से बातचीत करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए हैं, और ये मात्र एक बहाना है कि हम रहीम जैसे कवि को लेकर आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ आज प्रस्तुत हुए हैं। दरअसल मूल बात यह है कि कविता या साहित्य मनुष्य को क्या सिखाता है, क्या सिखा सकता है, मनुष्य की ज़िंदगी में क्या कुछ और बढ़ाता है, या क्या उसको ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ऐसी बातें समझाने की कोशिश करता है। इन सब प्रश्नों को लेकर, जो कि साहित्य के बहुत पुराने प्रश्न हैं, जहाँ हम ये देखते हैं कि साहित्य हम क्यों लिखते हैं या साहित्य क्यों हो, वही हम ये प्रश्न भी रखते हैं कि कविता क्यों हो। मैं जब भी अपने विद्यार्थियों से बात करता हूँ, ये बात मैं हमेशा उनके सामने रखता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा फोर्स है, ऐसा कौन सा दबाव है, ऐसा कौन सा तनाव है कि एक ऐसी ज़िंदगी में जहाँ आप दूसरे अनुशासनों का चयन कर सकते थे अपने, जिसे कहा जाता है कि करियर के लिए, कुछ और चीज़ों का चुनाव कर सकते थे जो कि ज़्यादा चमकीली हैं, ज़्यादा भड़काऊ हैं, ज़्यादा पैसा देती हैं, ज़्यादा आपको ज़िंदगी को जीने का अच्छा तरीका या अच्छा ढंग प्रदान करती है। वो क्या चीज़ है कि आप साहित्य की तरफ को आते हैं? ये प्रश्न एक बीए के स्नातक के विद्यार्थी के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण एक वयोवृद्ध साहित्यकार के लिए भी है कि आखिर साहित्य क्यों, वो कौन सा दबाव है जो आपको साहित्य की तरफ को धकेलता है। और सकारात्मक बात ये है, अच्छी बात ये है कि जब हम देखते हैं कि साहित्य किसी एक सभ्यता से नहीं जुड़ा है, हमने देखा है कि अलग-अलग विधाओं में, अलग-अलग फॉर्म में, अलग-अलग ढंग से साहित्य के बहुत अलग-अलग रूप अति प्राचीन काल से लेकर बहुत अत्याधुनिक समय तक, जैसे आज के युग को हम, जैसे कहा जाता है कि ये पोस्ट मॉडर्न युग, उत्तर आधुनिक युग, ऐसी क्या चीज़ है कि हमारे वो पूर्वज जो आज के प्रतिमानों में बहुत ही कम सभ्य थे, लगभग वन्य जीवों की तरह जीवन व्यतीत करते थे, वहाँ भी हमको साहित्य या कला के दर्शन होते हैं। तो साहित्य का इतना बहुविस्तारित रूप जो हम देखते हैं, ये शायद साहित्य की ताकत है कि हमको अलग-अलग विधाओं में, अलग-अलग युगों में, अलग-अलग सभ्यताओं में, वो सभ्यता भारतीय रही हो, वो चीन की सभ्यता रही हो, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो, वो कोई भी युग रहा हो, हमको साहित्य अपने रूप में वहाँ अलग-अलग रूपों में, कविता के तरह, महाकाव्यों के रूप में, छोटी कविता के रूप में, नाटकों के रूप में हमको साहित्य मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये साहित्य की बड़ी ताकत है कि हम जिंदगी के, जीवन के अलग-अलग पहलुओं में, अलग-अलग पड़ावों में, अलग-अलग आयामों में साहित्य से हम सीधे-सीधे रूबरू होते रहते हैं। तो ये कविता की ताकत है, साहित्य की ताकत है कि हमको ये सब चीज़ें लगातार हमारे जीवन में शामिल होती हैं। तो आज जब हम अपने स्नातक स्तर के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों से बात करने यहाँ आए हैं, तो हमने जिस कवि का चयन किया है वो आपकी पाठ्यपुस्तक में भी संकलित है, और ये रहीम है। ये वो कवि हैं जो एक तरफ जहाँ साहित्यिक हलकों में बहुत प्रचलित रहे, वहीं प्रशासनिक तौर पर एक बड़ा नाम माना जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्नों में थे, ये बहुत बड़े योद्धा थे, ये बहुत दानवीर व्यक्ति थे, ये बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत, जिसे कहा जाता है कि कई अर्थों में बहुत अच्छे मनुष्य थे। इनका ये सब जीवनी आप अगर बहुत विस्तार से पढ़ना चाहेंगे तो रहीम पर जो पुराने शोध हुए हैं उन पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं। हम यहाँ केवल बहुत सामान्य परिचय रहीम का आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रहीम पर आने से पहले हम एक छोटी सी पृष्ठभूमि भी अपने विद्यार्थियों के समक्ष रखते हैं कि हम रहीम को जिस कालखंड से जोड़ते हैं, उस कालखंड की पृष्ठभूमि क्या रही थी। हिंदी साहित्य का छोटे से छोटा विद्यार्थी बहुत आरंभिक कक्षाओं में भी जानता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजित किया था।
हालांकि आप अगर अध्ययन को बहुत गहराई से करेंगे तो आप देखेंगे कि शुक्ल जी से पहले भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास बना देना, उस बहुत सारी सामग्री जो संकलित सामग्री थी उसमें से साहित्य चेतना को बाहर निकाल देना और उसका काल विभाजन करके विद्यार्थियों के लिए उसके सरलतम रूप में प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें हमने एक काल विभाजन दिया है और ये काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था, जो कि हिंदी साहित्य का विकास के नाम से पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था, उसका नवीन संस्करण था और ये हिंदी साहित्य का वो इतिहास है जिसे आज भी विद्यार्थी एक प्रतिमान की तरह पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे, आप देख रहे हैं कि हमने जो काल विभाजन आपके सामने रखा है उसमें पहले युग को हमने आदिकाल कहा, जो खुद शुक्ल जी का दिया हुआ शब्द है, लेकिन उसी शब्द को उन्होंने, आदिकाल जो है वो समयवाचक है, आदि यानी प्रथम, सबसे पूर्व, उस काल को जो समयवाचक था उन्होंने एक नाम दिया जिसे उन्होंने वीरगाथा काल कहा। ये एक विवाद का विषय है, बाद में ये आया, ये बात आई कि नहीं, इस कालखंड का नाम वीरगाथा काल नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपके बाद के अध्ययनों का विषय है, लेकिन जो पहला कालखंड रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से 1375 के बीच हमको दिया था, उसका नाम उन्होंने, जो कालखंड के हिसाब से आदिकाल था, उसे उन्होंने वीरगाथा काल कहा। इसी तरह उन्होंने बीच के काल को जिसे मध्यकाल कहा जाता है, ये भी समयवाचक है, मध्यकाल को भी आप देखिए समयवाचक है, उसको उन्होंने दो भागों में विभाजित किया, एक पूर्व मध्यकाल जिसका नाम उन्होंने भक्तिकाल दिया, जो संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक रहा, उसका दूसरा भाग जिसे उन्होंने उत्तर मध्यकाल कहा यानी बाद का मध्यकाल, जिसके लिए उन्होंने जो नाम दिया वो था रीतिकाल। इसी तरह बिल्कुल आरंभिक युग यानी संवत 1900 यानी 1857 के बाद, 1850 के बाद के जिस कालखंड को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया उसका नाम उन्होंने दिया गद्यकाल। तो हम जिस कवि की बात यहाँ आज करने बैठे हैं उसका संबंध मध्यकाल से, आप उसे पूर्व मध्यकाल में रखिए, आप उसे उत्तर मध्यकाल में रखिए, लेकिन रहीम ऐसे कवि हैं जो किसी एक कालखंड के भीतर सटते हुए नजर नहीं आते क्योंकि उनकी कविता इतनी बहुविध। हम आगे बढ़ेंगे। ये रहीम का जीवन परिचय है जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन में है। रहीम का जन्म 1556 में और उनकी मृत्यु 1627 में हुई। मैं इसको पढ़ूं और आप भी इसी को पढ़ें, ये बात बहुत मौजू नहीं लगती है, आप इसीलिए ये स्लाइड आपके लिए रखी गई है। ये रहीम का सामान्य जीवन परिचय है, इस तरह का जीवन परिचय आपको किसी भी पुस्तक में मिलेगा, लेकिन मेरा आपको आपके समक्ष बात करने का ये उद्देश्य नहीं था कि मैं आपको अक्षरक्ष ये बात रटा दूँ। ये जो स्लाइड है, ये जो आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, ये आपकी मदद करने के लिए एक सहायक के तौर पर काम करेगा। आप देखेंगे कि इसमें बहुत सामान्य परिचय है। मैं चाहूँगा कि आप विश्वविद्यालय की पाठ्य पुस्तक को देखें, उसमें एक तरह से इनका विस्तृत परिचय दिया है। अन्य बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है, इस तरह की बहुत सारी इतिहास की पुस्तकें हैं जिसमें आप रहीम का विस्तृत जीवन परिचय पा सकते हैं। कुल मिलाकर ये कि रहीम जो हैं वो मुगल वंश से जुड़े हुए थे, वो न केवल कवि थे बल्कि बहुत अच्छे योद्धा थे, बहुत अच्छे प्रशासक थे, और इस तरह से उन्होंने अपना जीवन जो है वो अकबर, ये वही कालखंड है, आप इस बात को भी याद रखिए, जब हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कवियों में से एक और तुलसीदास भी रचना कर रहे थे। तो रहीम और तुलसी लगभग समकालीन हैं, आप उनके आसपास के कवि रहे हैं, तो ये बड़ी बात है कि रहीम और तुलसी को लेकर बहुत सारी किंवदंतियाँ भी हैं। खैर वो फर्दर राइटिंग्स हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये रहीम के जीवन परिचय का अगला अंश है जो आपके लिए सहायक के तौर पर यहाँ दिया गया है। ये रहीम की पुस्तकें आप देखेंगे कि रहीम की पुस्तकों में सबसे ऊपर है रहीम दोहावली। जब हम सामान्य लोग की बात करते हैं तो कुछ कवि लोगों की जबान पर हमेशा रहते हैं, जैसे कबीर, जैसे तुलसी और जैसे रहीम। कुछ ऐसे दोहे हैं जो रहीम के नाम से भी चलते हैं, कबीर के नाम से भी चलते हैं, तुलसी के नाम से भी चलते हैं। तो ये इन कवियों का लोक पक्ष है कि
किसने लिखा है या नाम में क्या रखा है, ये बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं बच जाती जितनी महत्वपूर्ण यह होता है कि कहा क्या गया है। तो रहीम के दोहावली, रहीम के बहुत सारे दोहे, कुछ आपको भी याद होंगे, कुछ मुझे याद हैं, कुछ हमारे जो पुराने लोग होते थे जिनको हम कहते हैं कि हमारे घर के बड़े बूढ़े होते थे, आप उनसे बात करेंगे तो रहीम का कोई ना कोई दोहा उनके मुंह से भी निकल कर सामने आएगा। ये इसलिए नहीं है कि रहीम इतने बड़े कवि थे, किसी बड़े विश्वविद्यालय के आचार्य रहे थे या कोई बहुत बड़े राजा थे, इसलिए नहीं, क्योंकि रहीम ने जो लिखा वो सामान्य जीवन से इस कदर जुड़ा हुआ था कि सामान्य जीवन बगैर रहीम के चल नहीं सकता था। तो आपसे ये भी अनुरोध है कि आपको इंटरनेट में विभिन्न पुस्तकालयों में रहीम विषयक बहुत सारी किताबें मिलेंगी जिसमें रहीम के दोहे होंगे, आप उन दोहों को ज़रूर पढ़िए, बहुत सुंदर दोहे हैं। उनकी और किताबों के नाम जो हैं वो आपके सामने हैं, जैसे बरवे नायिका भेद, ये नायिका भेद की एक पुस्तक है जो बरवे छंद में लिखी गई थी। इसी तरह उन्होंने नगर शोभा करके एक और पुस्तक लिखी, श्रृंगार सोरठा, इसको आप फिर ध्यान दीजिए, श्रृंगार सोरठा, सोरठा जो है वो एक छंद है, सोरठा छंद में लिखी गई पूरी श्रृंगारिक पुस्तक का नाम उन्होंने श्रृंगार सोरठा रखा। फिर उन्होंने भक्ति परक बरवे लिखे, आप ऊपर दूसरे नंबर की जो पुस्तक है उसमें देखेंगे कि बरवे नायिका भेद है और नीचे है भक्ति परक बरवे, बरवे भी एक छंद है जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। और हिंदी साहित्य में सबसे अच्छे, सबसे सुगठित बरवे लिखने का श्रेय जो है वो रहीम को है। कहा जाता है कि इनके बरवों से प्रभावित होकर खुद तुलसीदास ने एक बरवे रामायण लिखी जो केवल बरवे छंद में थी, हालांकि बहुत छोटी पुस्तक है, उस तरह से जैसे रामचरितमानस या विनय पत्रिका है उस तरह से बड़े कलेवर की पुस्तक वो नहीं है, लेकिन बरवे रामायण जो है वो इसी रहीम के प्रभाव में आकर ही कहा जाता है कि तुलसीदास ने लिखी थी। इसी तरह उनकी एक और पुस्तक मदनाष्टक है, ये भी श्रृंगारिक ग्रंथ है। अब हम आते हैं मूल विषय पर, हमने तीन दोहे जो कि बहुत ही ज़्यादा जिसे कहा जाता है कि प्रसिद्ध हैं, पॉपुलर हैं, जो कि अक्सर लोग पढ़ते हैं और वो रहीम के लिखे हुए हैं, हमने इन तीन दोहों को अपनी पाठ्य पुस्तकों से लिया है। हम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ एक बार फिर इनको शेयर इसलिए कर रहे हैं कि किसी विद्यार्थी को यदि ज़रूरत हो कुछ और पढ़ने की तो वो इस सेशन से, हमारे इस वक्तव्य से उसको शायद थोड़ी सहायता मिलेगी। पहला जो छंद है, पहला जो दोहा है वो है, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटावे शीश। इसके अलग अलग पाठ आपको मिलेंगे, कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में दूसरे तरह से भी ये दोहा मिलता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सीधा अर्थ है कि मान के साथ, सम्मान के साथ यदि छोटा काम भी कोई करेगा, यदि अपने आत्मसम्मान को बचाए रखकर, यदि दूसरों के लिए अच्छी भावना मन में रखकर कोई व्यक्ति छोटा इन द सेंस कि ऐसा काम जिसे लोग करना पसंद नहीं करते। एक उदाहरण दीजिए कि दूसरों की भलाई के लिए, समाज में स्वच्छता के लिए आप गंदगी साफ कर रहे हैं, तो इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे, इसमें आपका बड़प्पन है। जैसे पौराणिक कथा आती है कि भगवान शंकर ने जब समुद्र, ये भी एक पौराणिक कथा है कि जिस समुद्र मंथन किया था तो उसमें से जब अमृत निकला था तो हर कोई चाहता था कि उसे वो पिए, लेकिन जब उसमें से हलाहल निकला, विष निकला, तो भगवान शंकर अकेले थे जिन्होंने कहा कि नहीं, इसे मैं ग्रहण करता हूँ। तो उन्होंने मान के साथ, अपने सम्मान के साथ, अपने आत्मसम्मान के साथ दूसरों के परोपकार के लिए उस विष का पान किया था, इसीलिए वो जगदीश हो गए, यानी पूरे जगत के देवता हो गए। लेकिन बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। लेकिन उसी कथा में आगे आता है कि जब उसे अमृत नहीं मिल रहा था राहु को, तो उसने फिर भी छल कपट करके उस अमृत का पान किया और अंततः कथा बताती है कि उसका सिर काट दिया गया। तो कहने की बात यह है कि एक ऐसा कार्य जो कि देखने में छोटा लगे लेकिन परोपकार का हो, अगर कोई व्यक्ति उसे करता है तो वो सम्मान का पात्र होता है। लेकिन वही एक बड़ा कार्य जो कि अपने स्वार्थ के लिए किया गया है, यदि कोई व्यक्ति केवल स्वार्थवश अपने लिए बड़ा काम करने की कोशिश करता है तो उसका सम्मान समय नहीं करता।
एक और सुप्रसिद्ध दोहा है जिसे अक्सर लोग जो है वो जिसका प्रयोग करते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। साहित्यिक हलकों में ये बात चलती है कि कभी कभी किसी कविता का अर्थ आपको समझ में नहीं आता, कहीं अटक जाता है। तो ये एक इसे एक टोटका कहा जाता है कि आपको अगर किसी कविता का अर्थ नहीं आ रहा है तो आप एक बार धीरे धीरे, यानी तेजी से नहीं लेकिन थोड़ी तेज आवाज के साथ दो तीन बार उस कविता का पाठ कीजिए, आपको उसका अर्थ खुलने लगेगा। मुझे लगता है कि अगला दोहा यदि कोई भी विद्यार्थी थोड़ी संवेदनशीलता के साथ इसको ध्यान से पढ़ेगा तो किसी भी अन्य व्याख्या की जरूरत रही ही नहीं जाएगी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, छिटकाए चटकाए, तेजी से चटका कर, ऐसा इसका अर्थ बने। रहीमन धागा प्रेम का, आपके आपस में जो संबंध है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक रिश्तेदार का दूसरे रिश्तेदार से, एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से, एक देश का दूसरे देश से, एक मनुष्य का किसी जीव से, कैसा भी आपका आपके बीच में स्नेह है, लगाव है, संबंध है, उसको बिना सोचे समझे, जिसमें सामान्य भाषा में कहा था कि झक में आकर अगर आप तोड़ देंगे उस संबंध की का सम्मान नहीं करेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे, तो वो धागा टूट तो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी बहुत एफर्ट करके उसको फिर नहीं जोड़ सकते, वो जुड़ भी जाएगा, आपको संबंध दोबारा हो जाएंगे, लेकिन होगा क्या कि वो एक गांठ, वो कुछ कसक, वो कुछ अधूरापन आप दोनों के बीच में आ जाएगा। तो प्रेम का धागा, संबंध का, स्नेह का धागा जो है, स्नेह की जो लकीर है, इसको तोड़ने से पहले आप 100 बार सोचिए कि मेरे ये संबंध, इन्होंने मेरे लिए क्या किया, मैंने इनके लिए क्या किया, इनके मेरे कैसे संबंध थे। तो ये संबंधों पर बहुत ही शिष्ट भाषा में, बहुत सामान्य, बहुत सहज और सरल भाषा में ये रहीम की जादूगरी है जो हमारे सामने आज यहाँ प्रस्तुत। एक और दोहा उनका है, रहीमन असुवा नयन धरी, जिहि दुख प्रकट करे, जिहि निकारो गेहते, कस न भेद कही दे। बहुत सामान्य अर्थ है कि रहीम दास कहते हैं, कवि रहीम कहते हैं कि जब आंख नयन से आंसू ढरते हैं, गिरते हैं, जिहि दुख प्रकट करे, तो आपके भीतर के दुख को प्रकट कर देता है। आपने अपने मन में कुछ बात छुपा के रखी है लेकिन आपके आंखों से आंसू बह गया तो वो बात दूसरे पर प्रकट हो जाती है। आप न भी बताना चाहें तो दूसरे को पता चलता है कि आपके मन में कोई बहुत बड़ी उधेड़बुन चल रही है, आप किसी बड़े दुख में हैं, आप किसी बड़े संकट में हैं, क्योंकि आप रो रहे हैं भले ही आपने अपने मुंह से कुछ न कहा। तो रहीम आगे उसके लिए जो रूपक बनाते हैं उसमें कहते हैं कि जिसको आप घर से निकालेंगे, जिही निकारो गेहते, गेह यानि घर, तो जिही यानी जिसको गेहते घर से निकारो यानी निकालेंगे, तो कसन भेद कही दे, जिसको आप अपने घर से निकालेंगे वो बाहर जाकर आपका भेद कह देगा, आपने जो बात छुपा के रखी है वो दूसरों को प्रकट कर देगा। तो ये इसके भी इससे शिक्षा कुछ नहीं है, आप ये सोचें कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, शिक्षा नहीं, ये मनोभावों पर लिखा हुआ रहीम का दोहा है कि आपके आंसू बगैर कुछ कहे भी आपकी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। या आप कभी कोई बात छुपाना चाहें और अगर आप रो गए तो एक तरह से ये समझिए कि जिसको आपने घर से निकाला उसने आपका भेद दूसरे से कह दिया, तो जो बात आप छुपाना चाह रहे थे वो दूसरे पर प्रकट हो। ये तीन दोहे हैं जिनका जो हमारे पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। आज विद्यार्थियों के सामने हम इन तीन दोहों को लेकर इसीलिए आए कि इन तीन दोहों के माध्यम से हम रहीम की तरफ विद्यार्थियों को थोड़ा सा खींच सकें। मैं इसमें कितना सफल हुआ हूँ ये अलग बात है, लेकिन मैं अपने सभी विद्यार्थियों से चाहता हूँ, न केवल रहीम, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, ये जो मध्यकालीन कवि हैं, इनमें हमारे लोक जीवन के बहुत सारे रंग बिखरे पड़े हैं। अगर आप इनको संवेदनशीलता के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ इनका मनन करेंगे तो आपको न केवल पाठ्यक्रम में बल्कि अपने जीवन में भी उसका फायदा मिलेगा।
तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, अगले बार हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।